जी सलामकुम हसन अरशद यार, एक जल्दी से एक छोटा सा क्लिप बना दे तो आप सबके लिए आसानी के लिए ना। आपको जो फाइन पड़ा हुआ है और एब्सकोंडिंग का घर, वो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए जल्दी से ये क्लिप बनाता हूँ। सबसे पहले आप ओपन करो गूगल, आप मोबाइल से भी ये ओपन कर सकते हो, मोबाइल पे भी आप गूगल ओपन करके ये आ गया गूगल आपका। ठीक है, इधर आपने लिख देना ICP स्मार्ट सर्विस, ये पहले मैंने टाइप किया हुआ है तो सामने आ गया है ICP स्मार्ट सर्विस। ये क्लिक किया वो आपका ये पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर से ये फर्स्ट वाली ऑप्शन, इसको क्लिक करो आप। मोबाइल के अंदर भी सेम ही आएगी ये चीज़, ठीक है ना, कोई ऐसी वो बड़ी नहीं है चीज़। इसके अंदर ये क्या चीज़ होगी, ये होगा इधर अरेबिक के अंदर भी होगा, इंग्लिश के अंदर भी होगा। अरेबिक में होगा या इंग्लिश में होगा, आप इधर इंग्लिश में करना है तो इधर इंग्लिश लिखा हुआ होगा, इंग्लिश को क्लिक करोगे तो ये इंग्लिश वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली ऑप्शन आपने क्लिक करनी है ये वाली पब्लिक सर्विसेज, ये आपने क्लिक की। उसके बाद क्या करना है, मेरे पास ऐसा पेज ओपन हो रहा है, काफ़ी लोग हैं उनके पास कुछ डिफरेंट स्टाइल का ओपन हो रहा है, लेकिन ये अभी न्यू अपडेट है, न्यू अपडेट के अंदर ऐसे ओपन हो रहा है। ये आ जाओ फाइन एंड लीव परमिट्स, ओके, इसको आप क्लिक करो। पहली ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन परमिट लीविंग, ओके, इसको छोड़ दो। आपने ये करना है फाइन पेस वायलेशन ऑफ एंट्री परमिशंस ऑफ रेजिडेंस और रेजिडेंस, यानी कि विजिटर वीजे के ऊपर हो या रेजिडेंस वीजे के ऊपर हो, आपके ऊपर अगर कोई फाइन वगैरह है ये देख लो आप नज़दीक से। तो ये वाली सर्विस को आपने ओके करना है। ठीक है, इधर से स्टार्ट को क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ये पूरा एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ ऐसा ओपन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या करना है, मेरे पास एक भाई का वीज़ा पेज है, मैं उसके ज़रिए से आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, एक भाई है उसका वीज़ा पेज है, तो मैं ये होगा आपका फाइल नंबर, मान लो कि ये नंबर है 301-2020 ऐसा होगा, ये मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। ये मैंने दो दो कीबोर्ड रखी हुई है अपने पास, 301, मैं मोबाइल की इधर कर देता हूँ। ये खुद ब खुद फिल नहीं हो रहा, ये मैंने पहले इस भाई का टाइप किया था इसलिए मेरे पास ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है ना, ये भाई है बांग्लादेश से, मैं बांग्लादेश यानी जिस सिट कंट्री के होगे वो कंट्री आपने लिखनी है। ये भाई बांग्लादेश से, मैंने बांग्लादेश लिख दिया। ठीक है, और इधर मैंने क्लिक किया, इधर जब गुड मार्क हुआ रिपोर्ट को तो साथ मैंने सर्च वाले बटन को क्लिक करना है, ये सर्च वाला बटन है, इसको मैंने क्लिक किया, एक और पेज ओपन हो गया। इधर मैं इसका भाई का नाम लिख दूंगा, मान लो कि आप ये इसका ये रैंडमली एक मैंने नाम लिखा है। ठीक है, अरबी खुद ब खुद लिखी जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लूँ क्योंकि अरबी मुझे आगे भी चाहिए। अच्छा, इधर डाल दो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ये मैं अपना नंबर लगा रहा हूँ इसलिए मैंने हाइड करना है नंबर, क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल होता है नंबर का ना। तो ये मैंने अपना ईमेल लगा दिया, ये इंग्लिश लगा दिया, इधर मान लो कि मैं कोई भी नाम फिर से डाल दो, इधर अरेबिक भी उनको चाहिए, यानी कि जो आपका नाम है वो अरेबिक के अंदर सारा कुछ करके ना। ये जब मैंने साइड पे क्लिक किया होगा ना, जब मैंने ऊपर फर्स्ट टाइम इधर क्लिक करके सर्च को क्लिक किया तो नीचे ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ गई, ये अमाउंट है 59,200। उसके बाद क्या करना है, ये देखो स्क्रीन, आपको स्क्रीन दिखाने लगा, क्लियर है ना अभी, एक मिनट, ये एक मिनट का टाइम मिला था। अच्छा, ये स्क्रीन क्लियर है ना, ये जब नेक्स्ट करोगे ना तो ये देखो ये रेड आ गया, पर्सन कैन नॉट पे दिस फाइन। अगर ये रेड आएगा ना तो मान लो कि आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग है, अगर ये ग्रीन रहेगा और नेक्स्ट पेज आ जाएगा पेमेंट वाला, फिर आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये चीज़ है, ये मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया, और ये आज की अपडेट ये थी आप सबके लिए। गुड लक हो गया आप सबको।